नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है और वसीम राशिद के साथ हैं डॉक्टर मनीष। और भारत बंद के नाम पर पूरी तरीके से आज देखा जाए तो अपोजिशन पार्टियों ने हल्ला बोल दिया है और गैस सिलेंडर को लेकर और महंगाई को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है। आइए चलते हैं डॉक्टर मनीष की तरफ। और डॉक्टर मनीष, आज हम देख रहे हैं कि भारत बंद के को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मची हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर की तरफ हम चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और अन्ना, यानी अन्ना टीम में पूरी तरीके से देखा जाए तो फूट पड़ गई है और बाकायदा अन्ना ने उसका ऐलान भी कर दिया है। मैं चाहूँगी कि पहले हम आज अरविंद केजरीवाल और अन्ना को लेकर अन्ना टीम के बारे में बात करें। देखिए, एक दो चीज जो समझने वाली बात है वो ये कि टीम अन्ना के लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को जिसका अनाउंसमेंट होने वाला है, जहां तक हमारी खबर है उसमें अब तक इन लोगों ने जो पार्टी का नाम रखा था उसमें अन्ना जी का नाम भी शामिल था। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि टीम अन्ना और अन्ना के बीच ये मतभेद सामने आ गया और अन्ना इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और टीम अन्ना के लोगों से कहा कि ना आप मेरा नाम का इस्तेमाल कर सकते और ना ही मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष, इससे पहले कि आप बात की तरफ चलें, एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि जिस वक्त अन्ना का अनशन हुआ था और बाकायदा पूरी तरीके से उसी वक्त पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया गया था, उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि अन्ना जी ने ऐसा कोई इनकार किया था या कोई ऐसा सख्ती से जैसे आज वो इसका विरोध कर रहे हैं ऐसा कुछ किया था। तो जी, दो बातें हैं। जो अनाउंसमेंट हुआ था वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जब अन्ना स्टेज पे थे और जो वो पढ़ा गया था, जिसके बाद जिसको देश के बड़े बड़े कुछ लोगों ने, इज्जतदार लोगों ने, जिन्होंने वो चिट्ठी तैयार की थी और उस चिट्ठी के जरिए ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनशन को वापस ले लें, जिसके बाद अनशन को वापस लिया गया था। लेकिन उस के तहत पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं थी, जो बात थी वो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की बात थी। तो ये पॉलिटिकल अल्टरनेटिव क्या हो, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हो, प्रेशर ग्रुप के रूप में हो, कोई एक ऐसा सिविल सोसाइटी का एक ऐसा जत्था, एक ऐसा ग्रुप बने जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, क्योंकि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव एक बड़ा ही कंफ्यूज सा वर्ड है जिसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। लेकिन एक बात, क्योंकि उस वक्त जितना भी मीडिया ने लेकर इसको हंगामा मचाया था वो यही हंगामा था कि आखिर लीजिए आ गई वो बात जो सबके दिलों में थी कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात की जा रही है। वही मैं बस एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि मीडिया जो है जी ये मूर्खता का काम क्यों करने में अभी सबसे नंबर वन पे चल रही है। इनकी बेवकूफ़ी का आलम यह है कि इनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, इसका पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो इसलिए उन्होंने क्या हल्ला किया, क्योंकि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की बात मैं वहीं पे था। अच्छा, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव दोनों में काफी फर्क भी है। पॉलिटिकल अल्टरनेटिव और पॉलिटिकल पार्टी के बीच का अंतर अगर वहां पे जो लाइव कर रहे रिपोर्टर्स को पता ही नहीं हो तो वो तो उल्टी पुल्टी बात ही करेंगे। बिल्कुल। तो ये, और मैं आपको सर्तिया में बता सकता हूँ, मैं क्योंकि वहाँ मौजूद था जंतर मंतर पे और जो रिपोर्टर्स से जो हमारी बातचीत हो रही थी कि दे देमसेल्स वेयर कन्फ्यूज्ड, क्या करें नहीं करें, और आधे से ज़्यादा इसलिए भी खुश थे कि शायद कि उनको भी मौका मिल जाए, अन्ना को कवर करते करते उनको भी मौका मिल जाए कि वो अगले चुनाव में चुनाव भी लड़ लें। वो इस तरह की बातें जो आपस में ये लोग कर रहे थे। खैर जी, तो क्या है पॉलिटिकल अल्टरनेटिव? लेकिन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की जरूरत क्यों,
अन्ना का विरोध का मतलब क्या, आगे क्या होगा जी, ये समझना जरूरी है। जिस दिन ये फैसला लिया गया कि आंदोलन को रोक के एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की तरफ हम काम करेंगे, तो अचानक जंतर मंतर पे बवाला मच गया। अंधेरा था, रिपोर्टर्स कम थे, जिन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। कई सारे लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो बैज है, जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो टी शर्ट्स है, वो नाराज हो गए और उनकी संख्या 100 से ज्यादा थी। उन्होंने बैज वैज फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इस आंदोलन में पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तैयार करने के लिए नहीं शामिल हुए। तो ये जो पूरा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा जो स्ट्रक्चर था वो बीच से टूट गया दिमागी तौर पे। दिमागी तौर पे इसलिए कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव क्या करें, और पॉलिटिकल इस बारे में अरविंद केजरीवाल और टी मन्ना का सोच बहुत ही क्लियर है और सही है कि इस देश में अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लोकपाल बनाना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही तय करना है और एक कंप्लीट सिस्टम को एक प्रो पीपल एटीट्यूड वाला अगर बनाना है, जहां जनता, गरीब, माइनॉरिटी, दलित, आदिवासी, इन सब की बात सुनी जाए और पॉलिसीज में इनके बारे में जगह दी जाए, पॉलिसीज में कि कैसे उनको मिनिस्ट्री में लाया जाए या कैसे उनका विकास किया जाए, अगर इस तरह के बदलाव के लिए अगर लोग सड़क पर आते हैं तो लोग सड़क पर ही आते रह जाएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी सुधरने वाली नहीं है, और ये बिल्कुल सही बात भी है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, इनके माथे के ऊपर जो है इतना बर्डन होता है, चुनाव का, पैसे का, चापलूसी का, पैरवी का, ये तो चुनाव से पहले भीख मांगते चलते हैं हर इंडस्ट्री से कि पैसा दो, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसी बना ली इस देश के अंदर में कि अगर करोड़ों से माने अगर आप करोड़ों खर्च नहीं कर सकते तो चुनाव नहीं जीत सकते। तो अगर इस सिस्टम को बदलना है तो बदलाव पार्लियामेंट से होगा और पार्लियामेंट में अच्छे लोग जाएं, वहां से ये खेल शुरू होगा। डॉक्टर मनीष, के जिस वक्त आंदोलन चल रहा था और बार बार ये बात कही जा रही थी कि पार्लियामेंट में करप्ट मंत्री बैठे हुए, उस वक्त भी तो उनके ऊपर ये तंस किया जा रहा था क्या? ठीक है, जो पार्लियामेंट, आप आइए पार्लियामेंट में बैठिए। तो जब उन्होंने ये फैसला किया तो फिर इसमें इतनी हाहाकार किस लिए? नहीं, हाहाकार की बात में नहीं कह रहा हूं। तो ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है कि एक पॉलिटिकल लड़ाई आंदोलन से हटके लड़ना चाहिए, लेकिन अन्ना नहीं माने। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली बात यह कि ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, अन्ना के आंदोलन से जो लोगों में एक आस्था जगी, जो विश्वास जगा, और जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन करना चाहते हैं, अगर ये पूरी की पूरी टीम पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाती तो वैसे लोग जो सिर्फ आंदोलन की वजह से देश में आंदोलन करना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, उनके लिए फिर वो जगह नहीं बनती। तो यूं समझिए, ये दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, वो अन्ना के साथ हो जाएंगे। और जो लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के, बिना पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के, बिना पार्लियामेंट में अच्छे लोगों को भेजे हुए संविधान नहीं निकल सकता, देश में बदलाव नहीं हो सकता, उनके लिए ये टीम ये काम करेगी। तो ये दो बातें हैं जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है
जो इस घटना की वजह से होगा, जो मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो आंदोलन, जो करप्शन के खिलाफ जो मोमेंटम इस देश में तैयार हुआ, इस फूट की वजह से उस मोमेंटम पे ब्रेक नहीं लगेगा। सही बात, सही कह रहे हैं, वो ब्रेक नहीं लगेगा। और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सीलेटर का काम कर रहा है। सही बात है, और इसलिए आप देखिए बड़े संभल के, अगर इसको दो तरीके से देखने का, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं टीम अन्ना टूट गई, खत्म हो गया, अरे इन लोगों को तो सारी मीडिया ने इसको इसी तरीके से दिया है, मैंने बताया ना आपको, लेकिन आपने इसका बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लिया है। गलत एनालिसिस है, बिल्कुल ये गलत एनालिसिस है। चराग भी जलेगा और वोटिंग भी होगी इस देश में, आंदोलन करने वाले सड़क पे भी उतरेंगे और यही आंदोलनकारी अंदर बैठ के पॉलिसीज भी बनाएंगे, पॉलिसीज को भी। सही, बिल्कुल ठीक। और ये इसलिए जो है, आई सी इट एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप देखिए आंदोलन का तरीका, एक खबर आई है, अन्ना ने जो एक बात खबर आई हुई है जी, कि बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और वीके सिंह की मुलाकात किसी जगह पे हुई जी। अगर ये तीनों आ जाते हैं, एक तो पॉलिटिकल फ्रंट है अपना, लोग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तलाश भी करेंगे, अच्छे लोगों को भी ये करेंगे, और अगर ये तीनों एक साथ अगर आकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, इस देश के लिए इससे अच्छी खबर आज की तारीख में कोई नहीं। देखा जाए तो तीनों ही की छवि अपने आप में बहुत जबरदस्त है, और अगर इसमें जनरल वीके सिंह आ जाते हैं तो फिर तो इसमें चार चांद लग जाएंगे। इसमें इसमें तीन चीजें हैं, एक दो बातें जो समझना के डिफरेंशिएट, ऐसा कोई कभी इस चीज को मत समझिए, जो लोग देख रहे हैं इसको कभी मत ऐसा समझिए कि दोनों जो है दुश्मन हो गए, अब जो है वो आंदोलन खत्म हो गया, अब जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। नहीं, इट विल टेक अ न्यू शेप। और किसी भी मूवमेंट के दौरान जब आंदोलन चलता है, आजादी की लड़ाई में भी जब हुआ, तो इस तरह के उतार चढ़ाव सब आते हैं। इट विल बिकम, ये क्लियर हो जाएगा अगर ये तीनों एक साथ आते हैं। एक बात मैं बता दूं कि तीनों का आना ये डिफरेंट है, टीम अन्ना के लिए के लोगों के का जो अपना गुण है, जो उनका अपना जो पूरा बैकग्राउंड है, और इनमें एक डिफरेंस है, बस उस डिफरेंस को मैं बताना चाह रहा था। अन्ना, रामदेव और वीके सिंह, ये जो करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन है, चाहे वो लोकपाल का हो, चाहे वो काले धन का हो, और एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का है, और इनके पीछे जो इनका किया हुआ काम है, वो इन्हें इस तरह के आंदोलन का, बदलाव के आंदोलन का, इन्हें एक नेचुरल लीडर बनाता है, जमीन से जुड़ा हुआ लीडर। ये लोग जो है बेसिकली, इनके पास एक मॉरल अथॉरिटी है। ये मॉरल अथॉरिटी लोगों के पास जाकर के नहीं है, ये मॉरल अथॉरिटी बनी है बिकॉज व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट। तो ये तीनों का, इन तीनों का एक साथ आना, ये हिंदुस्तान के लिए इससे बेहतर, और ये भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, ऊपर वाले से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये तीनों एक साथ आए, आंदोलन करें, और इस देश को जो है, जो इस वक्त जो लूट खसोट की राजनीति, लूट खसोट करने वाला तंत्र, लूट खसोट करने वाले मंत्री, लूट खसोट करने वाले ब्यूरोक्रेसी, लूट खसोट करने वाले हर पदाधिकारी जो भी जिस जगह पे है, जो लूट रहा है इस पूरे लूट तंत्र को, एक प्रो पीपल, गरीबों के प्रति संवेदना रखने वाला एक सिस्टम बनाने में ये कामयाब हो, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। और ये जो निगेटिव, बातें जो मीडिया में फैलाई जा रही है, ये तो टीम टूट गई, अब अन्ना भी अलग हो गए, रामदेव भी अलग हो गए, ये सब, ये आंदोलन जो है अब बिल्कुल खत्म हो गया है। इन लोगों को एक बात पता नहीं है, जनता जब तक ठगी हुई महसूस करेगी, जनता को जब तक ये लगेगा कि ये सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनके मन के अनुसार
उनके आशा के अनुरूप काम नहीं कर रही है, जब तक जनता को लगेगा कि सरकार टैक्स के नाम पे उसको नोच रही है, लूट रही है, जनता को जब तक लगेगा कि इस देश में भ्रष्टाचार है, ये देश जो है हमारे ऊपर एक तरह से एक गुलाम बना करके लोगों को रख रहा है, जनता जब तक महंगाई से जूझेगी, देश में आंदोलन ये खत्म ही नहीं हो सकता, आंदोलन चलते रहेंगे और मजबूती से चलेंगे। हाँ, इसका नेता बदल सकता है, इसका प्रारूप बदल सकता है, अलग अलग ग्रुप्स बन सकते हैं, लेकिन ये जो मीडिया में लोगों ने बिल्कुल खारिज कर दिया है, जो खारिज कर दिया कि अब आंदोलन खत्म हो गया, ये न्याय थी बेवकूफी वाली बात है। डॉक्टर मनीष, एक बात बताइए कि अब खैर आज भी मैं देख रही थी कुछ चैनल्स पर केजरीवाल की स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा कि मैं खुद हैरान हूँ कि अन्ना ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है, और कल जो हमारी 9-10 घंटे की मीटिंग चली है उसके बाद जो अन्ना का रवैया निकल कर आया है, मैं खुद उस पर बड़ा हैरान रह गया हूँ। और मेरे ख्याल में उनकी बात ठीक भी है, क्योंकि आज सारे अखबारों ने अन्ना की स्टेटमेंट अपने तरीके से ली है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किरण बेदी, प्रशांत भूषण, इनका क्या रवैया रहना है, ये किस इनका मौकिफ क्या रहेगा, ये कहां जाएंगे, ये किस तरीके से मूव करेंगे? अब हर व्यक्ति टीम अन्ना में, इनका कुछ पास्ट है, इनके कुछ बैकग्राउंड्स हैं, ये लोग ऐसे नहीं हैं, सड़क चलते हुए लोग नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल इज आल्सो राइट एंड ही इज अ फाइटर, और जिस तरीके से मैं इस चीज को मैंने किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से अभी आंदोलन के दौरान लोग के साथ लखनऊ हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, प्रधानमंत्री के घर के बाहर जिस तरीके से इन लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और जिस तरह से लोग बाहर आए, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हिंदुस्तान में एक बढ़िया लीडर पैदा हुआ है। गुड, लेट्स नॉट किल हिम, उसको खारिज करने की जरूरत नहीं है। ये बाकी एनालिसिस, आर्गुमेंट्स, पॉइंट्स, स्कोर आप कर लोगे कहीं भी, देश का सवाल है, एक नेता पैदा हुआ है, लेट्स वेलकम हिम। और अन्ना अलग हुए हैं, कोई बात नहीं है, कल जुट भी सकते हैं, ऐसी कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ऐसा हो गया है कि ये लेफ्ट पार्टीज और बीजेपी की दुश्मनी हो गई है, नहीं, ये आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी जब आंदोलन कर रही थी आजादी की लड़ाई के दौरान, बहुत सारे लोग बाहर गए थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता रहता है, उसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी है। सुभाष चंद्र बोस जिनका फोटो आप लगा के घूमते हो, उन्होंने भी छोड़ दिया था, अध्यक्ष रहते हुए छोड़ दिया था। कई बार महात्मा गांधी वो रूठ कर घर बैठ जाते थे, पार्टी की बात नहीं मानते थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। सही बात है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको उस पर्सपेक्टिव में एनालाइज करने की जरूरत है। और बात बहुत ही सिंपल है, इस यह देश एक क्राइसिस से गुजर रहा है, और जब तक ये क्राइसिस है तब तक आंदोलन है, लीडर्स पैदा होंगे, क्योंकि क्राइसिस में ही समाज में परिवर्तन होता है। दूसरी बात, और ये एक सीख भी है, ये एक सीख है सरकार चलाने वाली पार्टियों के लिए, जो राज्य सरकार वाली चला रही है या जो केंद्र सरकार भी चला रही है, कि उनके पास ये मौका है इन सच्चाइयों को समझने का, उसके प्रारूप, उसके अनुसार पॉलिसीज लगाने का। लेकिन आप ठीक जो है उल्टा कर रहे हो कि लोग तो परेशान हैं और आंदोलन भी चल रहा है, तो कभी आप उसमें कोयला डाल देते हो, तो कभी डीजल डाल देते हो, और कभी उससे ही मन नहीं भरता है तो LPG का गैस सिलेंडर डाल देते हो, आप तो आग भड़का रहे हो। सही बात है। और इसलिए ये जो बंद है आज सक्सेसफुल है। कल शाहनवाज की साहब की मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, बड़े गजब की स्टेटमेंट, आपकी पूरी बात उसी से निकल कर आई है, सिलेंडर में आग लगा देते हो, फिर कोला कोयले में थोड़ा, बड़ी जबरदस्त सही है जी, और ये बिल्कुल सही है। शाहनवाज हुसैन साहब जो कल उन्होंने कहा, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट थी उनकी, और मुझे हंसी भी आई, लेकिन बहुत ही सटीक है कि एक ऐसा नाव है। सही बात है, ये एक ऐसा नाव है कांग्रेस पार्टी की नाव जिस पे आग है, इस पे जो चढ़ेगा वो जलेगा। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब को एक बात और बता देनी चाहिए
कि कांग्रेस की नाव तो जल ही रही है, उसके ठीक बगल में बीजेपी की नाव भी चल रही है। बीजेपी की वो डगमगा रही है, वो भी डगमगा रही है, रही है। सही कह रही है। जो है दोनों में आमना सामना हो जाए और ये आग इधर चला आए, ये उन्हें पता नहीं। सही बात, इस बात का इल्म उन्हें भी होना चाहिए। तो ये चीजें जो है, एक बात बताइए डॉक्टर मनीष, एक बस सवाल मेरे कल से जहन में आ रहा है, वो ये कि आप जहां कांग्रेस वाली सरकार है जिन स्टेट्स में, वहां पर आप 9 सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अहमकाना, बहुत ही बेवकूफी का फैसला नहीं है? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे दूसरे घर में अगर मेरे 2 बच्चे रहते हैं तो मैं अपने घर के बच्चों को तो 2 रुपए और दे दूंगी एक्स्ट्रा। बहुत ही बेवकूफी की बात लग रही है। आपके दर्द को समझता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा माने इस गैस को कम करके घर की लक्ष्मियों को नाराज किया है, इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। आप किचन के साथ खिलवाड़ करोगे तो इस देश में चुनाव नहीं जीत सकते। आप रसोई में गैस नहीं हो, आपको एक महिला वोट नहीं देगी। वैसे एक बात बता दूं, महंगाई लोग प्याज काटने में उनको दाम समझ में आने लग जाए, आपको वोट नहीं मिले। ये दिस इज, मैं आपको मैं बताऊं, ऐसा जुमला बोला है कि मेरे भी ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है प्लेइंग विद फायर। सच में ये तो महिलाओं को आप जो चीजें जो है, अब कोई बेवकूफ आदमी ये कह रहा है कि एक घर में एक सिलेंडर 2 महीने चलते, ये सरकार की रिपोर्ट है, जला के राख कर दो ऐसी रिपोर्टों को सरकार की। छोटे से छोटे 2 लोगों में भी 1 महीना सिलेंडर नहीं चलता, कहाँ चलता है? समय खत्म हो रहा है। एक बात में जरूर बोल जी, इस देश को ममता बनर्जी को सैल्यूट करना चाहिए। मैं भी आपसे आखिर में यही कहने वाली थी कि अब ममता, अब जिस तरीके से सामने आई है निकल कर, सैल्यूट करना चाहिए। वो इसलिए वो एक आशा दिखाती है, बिल्कुल, कि आज भी इस देश में राजनीति करने वालों में ऐसे लोग हैं जो प्रिंसिपल्स के लिए, जो आइडियोलॉजी के लिए, जो जनता के हकों के लिए लड़ जाते हैं। FDI या गैस सिलेंडर या महंगाई के खिलाफ, जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में बहुत ही कम है। और ममता जी की जो स्टेटमेंट थी कल, वो बहुत ही मंत्रालय को आइडियोलॉजी, लोगों के दर्द को अपने साथ लेकर के मंत्रालयों को ठोकर मार दे, ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। और ये बताता है कि आगे आने वाले दिनों में परिवर्तन तो होना ही है। बिल्कुल, मैं इस बात को मैं अभी कह रहा हूँ, परिवर्तन होना है, करप्शन को खत्म होना है। ये जो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रो रिच, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रो बिजनेसमैन एटीट्यूड जो है पॉलिसीज के अंदर, वो भी खत्म होना ही है। वक्त कितना लगेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक संकेत जो ममता बनर्जी ने दिया है और जो पॉजिटिव है कि आने वाले दिनों में राजनीति करने का माहौल भी इस देश में बदलेगा। इसलिए जो ट्रांसपेरेंट हैं, जो ईमानदार हैं, जो गरीबों के लिए खड़े हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के लिए खड़े होते हैं, जो आदिवासी के लिए खड़े होते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। और इसलिए चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अन्ना हो, चाहे वो रामदेव हो, या फिर जनरल वीके सिंह हो, इनका इस देश में स्वागत होना चाहिए और इन्हें समर्थन देना चाहिए। बहुत सही कहा डॉक्टर मनीष आपने, कि जिस तरीके से अन्ना और केजरीवाल और ये हमारे वीके सिंह और इसके साथ साथ ममता बनर्जी का देखा जाए तो वाकई में एक इतना बड़ा और अहम कारनामा है। कल जिस तरीके से उन्होंने सरकार को ललकार लगाई और उन्होंने कहा है कि सरकार ये खेल खेलना बंद करे, वो पूरी तरीके से अपने आप में एक बड़ा मैसेज जाता है। लेकिन मैं आपसे चलते चलते एक बात और कहूँगी कि आखिर सरकार किस मिट्टी की बनी हुई है? क्या कोई मॉरल नहीं बनता है? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई मॉरालिटी नहीं है? आखिर कब रिजाइन होगा या नहीं होगा? क्या पूरे देश में आग लग जाएगी तब होगा? आखिर कैसे होगा ये सब कुछ? कोई तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। आपकी प्रीमाइस जो है वो गलत है। वो गलत इसलिए है, ये सरकार किसी मिट्टी की नहीं बनी हुई है, बालू की मूर्ति है। क्या बात कही, वाह।
जनता फुफकार करेगी और कहाँ गायब होगी ये पता भी नहीं चलेगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने डॉक्टर मनीष। ये था हमारा आज का ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम। हम और आप सभी महंगाई से जूझ रहे हैं। हमारी और आपकी रसोई में से यकीनन थाली में से खाना कम के बजाय ख़त्म होता जा रहा है। हम सब परेशान हैं और जिस तरीके से अन्ना ने एक आंदोलन शुरू किया था और पूरा देश सड़क पर आ गया था, मेरे ख्याल में इस तरीके के आंदोलन की हम सबको फिर से ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम इसको अन्ना और केजरीवाल या अन्ना आंदोलन में फूट की शक्ल में ना देखें, हम इसको एक नए पर्सपेक्टिव में देखें और ये देखें कि एक नई आशा की किरण हमें कहाँ से मिल सकती है। और महंगाई के खिलाफ हम सबको भी आगे बढ़ना है और हमको भी हुकूमत के खिलाफ ऐसे ही आंदोलन करना है। और आज जिस तरह एक कामयाब भारत बंद किया गया है, यकीनन ऐसा तभी हो सकता है जब आप सब मिलकर साथ देंगे। तो ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। अपने इस प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।